तो गाइस अभी हो गए हैं 11:19, 11:15 बजे आशिता की छुट्टी होती है और हम लोग जाम में फंस गए। हम लोग आए हैं यहाँ पर चुरचुर नान खाने। बहुत दिन से सोच रहे थे खाएंगे, आज फाइनली हमें चुरचुर नान खाएंगे। तो गाइस ये हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल और यहाँ पे पार्किंग के लिए लगी लाइन। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शर्माज ब्लॉग, माय नेम इज अंकिता। तो गाइस अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और आशिता स्कूल जा चुकी है, उसको रेडी वेडी करके स्कूल भेज दिया है। और यहाँ पर ये आश्रित भाई से हमारे सुबह सुबह उठ जाते हैं, जब स्कूल जाना होगा ना तब ये बिल्कुल नहीं उठेगा, और अभी इसको स्कूल वगैरह नहीं जाना तो ये बिल्कुल साथ साथ उठ जाता है। ये आशिता के साथ ही थोड़ी देर बाद उठ गया था, मॉर्निंग 6 बजे मैंने आशिता को उठाया था तो ये 6:30 तक ये भी उठ गया था। तो फिलहाल आशिता स्कूल जा चुकी है, आज उसका एग्जाम है इंग्लिश लिटरेचर का, होपफुली वो अच्छा सा करे। बाकी पढ़ाई तो उसने कर ही ली थी पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स बच्चे कर ही देते हैं, तो देखते हैं बाकी जो ऐसा भी करेगी वो। और इसके अलावा गाइज अभी का सीन ये है कि मैं जा रही हूँ कार्डियो करने, और ये गाइज आज आश्रित को लेकर जाना है हमें डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत दिनों से इसका स्टमक ना अपसेट चल रहा है, लाइक लूज मोशंस तो नहीं हो रहे इसको बट ये पेट में काफी दर्द बता रहा है बार बार। ठीक हो गया अभी थोड़ी देर के लिए, जैसे बीच बीच में इसके पेन होने लग रहा है ना, शायद मे बी कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो, और बार बार वॉशरूम भी जा रहा है। तो हमने सोचा कि इसको एक बार डॉक्टर को दिखा देते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये कुछ भी खा रहा है तो उसके तुरंत बाद इसको वॉशरूम जाना होता है। तो और काफ़ी देखो आप काफ़ी वीक भी हो गया है ये, अब ये पता नहीं बढ़ने के लिए इतना वीक हुआ है या ये इसको ऐसा इसका स्टमक एक हो रहा है इस वजह से हो रहा है। तो आशिया मैंने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम लोग एक बार तो उसको डॉक्टर को दिखाई दे, उन डॉक्टर का कंसर्न पूछ लेते हैं कि कर लेते हैं डॉक्टर से कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसे ही हो रहा है या क्या पता कुछ एंटीबायोटिक वगैरह चला, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, तो हमें लग रहा है कि कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, अब ठीक हो जाएगा, बट अब ऐसे करते करते 3-4 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम इसको डॉक्टर के पास लेकर ही जाएंगे, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले लिया है। तो यस उससे पहले मैं फटाफट जाकर कर लेती हूँ अपना कार्डियो कंप्लीट। और हाँ, और आश्रित को हमने अभी दूध वूध भी बिल्कुल बंद कर दिया है इसका, क्योंकि जब स्टमक पेन होता है या फिर आपका पेट अपसेट होता है तो आपको दूध नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने अभी इसका दूध बंद कर दिया है। तो बाकी मैंने इसको सुबह उठ के बनाना दे दिया है और इसको मैंने किसमिस वगैरह दे दिया था। बाकी डॉक्टर से कंसर्न करते हैं कि दूध दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल का सीन ये है कि मैं जा रही हूँ कार्डियो करने, और उससे पहले मैं ये जो कल रात के कपड़े थे उसको फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि रात को बहुत तेज नींद आ रही थी। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फटाफट चेंज किया, बच्चों को चेंज कराया और मैंने कहा कल ठीक करेंगे, तो वो मैं अभी ठीक कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं कार्डियो करने जाती हूँ, एंड उसके बाद फिर रेडी होकर फटाफट हमको जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि आशिता को भी लेना है उससे पहले, क्योंकि आशिता की छुट्टी हो जाती है आजकल 11:15 ही, तो इसलिए उसको लेकर और उसके बाद जाएंगे हम हॉस्पिटल। तो बस स्ट्रेट ट्यून गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए शेयर। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं और अब मैं इनको रख देती हूँ इनकी जगह में, और उसके बाद फाइनली मैं जाती हूँ अपना कार्डियो करने, और फटाफट उसके बाद रेडी होते हैं और फिर जाते हैं डॉक्टर के पास लोगों को लेकर। तो गाइज आज का टारगेट हो गया है पूरा, मेरी कार्डियो हो गई है डन, और अब नीचे जाके देखते हैं कि आश्रित क्या कर रहा है। हाँ क्या कर रहे थे, ऊपर बैठ के देखो ना फिर। हाँ ये गिरा दिया, बॉल कहाँ है, ग्रीन बॉल कहाँ है, हाँ खो दिया, बहुत अच्छा किया चलो बैठो ऊपर बैठो, ठीक है दूसरा लगाऊं, कौन सा लगाना है बताओ, ऊपर तो बैठो, ऊपर बैठो, हाँ क्या जिराफ देखना है, जी टी रेक्स, अच्छा टी रेक्स, हाँ अच्छा ठीक है टी रेक्स लगाते हैं। तो गाइस हम लोग घर से निकल गए हैं और 11 बज चुके हैं और आशिता का स्कूल 11:15 ओवर हो जाएगा, बट फिर क्या बोलते हैं मुझे हमें लग रहा है कि शायद हम लोग थोड़ा सा लेट हैं, क्योंकि उसको मतलब स्कूल में हमें पहुँचते पहुँचते गाड़ी में कार में तो 20 मिनट तो लगते ही होंगे, है ना। और बस यहाँ पर मैं डुगू का ब्रेकफास्ट भी लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, उसे खिलाते खिलाते तो मैंने सोचा रास्ते में ही खिला दूंगी इसको, तो बस अब मैं वही खाना इसको खिला रही हूँ। बाकी गाइज हम लोग स्कूल पहुँचते हैं फटाफट, और स्कूल पहुँचने के बाद फिर हमारे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, और वो डॉक्टर उसको दिखा कर और तब उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आएंगे। तो फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं आशिता को लेने स्कूल। हाँ
देखो ये क्या है, गली। गली इसकी गली है ये। वॉच बोलते हैं, वॉच। हाँ मेरा है। तो गाइस अभी हो गए हैं 11:19, 11:15 बजे आशिता की छुट्टी होती है और हम लोग जाम में फंस गए। कार में ना आने का यही ड्रॉबैक है, जाम में फंस जाते हैं हम लोग। लेट्स सी शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट रास्ता करणपुर वाला, बस वहाँ पे, और वहाँ पे कॉलेज का प्रॉब्लम है ना, इधर से है एक शॉर्टकट रास्ता, ये इधर से जहाँ से हम जा रहे हैं। जाम लंबा है ना? हाँ लंबा है, लेट हो जाएंगे। यहीं से निकल लो, यही कर सकते हैं। एक रेस्ट लेना पड़ेगा हमको यहाँ से निकलने का, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि गलियाँ थोड़ी छोटी है, प्लस यहाँ पर है कॉलेज, और कभी कभी कॉलेज वाले जो रास्ता है ना वहाँ पर ना जाम मिल जाता है, और वहाँ का जाम ये चलता जाम है, लेकिन वहाँ पे अगर मिल गया तो वहाँ पे रुकता हुआ जाम मिलेगा। तो हम लोग ये इस गली से शॉर्टकट जा रहे हैं, होपफुली हम लोगों को आगे जाम ना मिले। ये है वो कॉलेज जहाँ जिसके आगे थोड़ा सा जाम लगा रहता है, बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आज कोई जाम नहीं है, और ऑलरेडी 11:23 हो चुके हैं। 11:30 का अपॉइंटमेंट तो मेरे पास डॉक्टर के पास का था, टाइम से पहुँच जाए। तो गाइस आशिता को ले लिया है स्कूल से, और आज आशिता बोल रही है सबसे लेट हम ही थे, है ना आशिता? सबसे लेट, पूरा स्कूल खाली हो गया था। सॉरी। अच्छा एग्जाम कैसे हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, कैसा पेपर था? ठीक था। ठीक था, मतलब इजी था। बहुत इजी था? कितना इजी था? बहुत ही ज्यादा इजी था। अच्छा चलो ठीक है, आइसक्रीम खानी है। अच्छा क्यों नहीं। तो गाइस ये हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पे पार्किंग के लिए लगी है लाइन, बहुत भीड़ है मुझे लग रहा। आज क्या है, मंडे है ना, मंडे की वजह से होगा भीड़। तो गाइस ये बिलिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हाँ देखो कैसे कर रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? डॉक्टर के पास जाना है, सुई लगाना है। ऐसा बोला आपने? नहीं। हाँ अल्लाह नहीं करो है। हाँ इनके बाद ठीक है। डुकी क्या क्या हुआ? डुकी क्या चाहिए, क्या क्या मांग रहे हो? दवाई। कौन सी वाली दवाई? छोटी वाली। कौन सी छोटी वाली डुकी? कौन सी छोटी वाली दवाई जुगू? कौन सी छोटी वाली दवाई? चलो तुम्हें तो हर जगह खेल खेल लगता है हर जगह। तो गाइस डॉक्टर को दिखा दिया है और दवाई भी ले ली है, दो दवाइयां नहीं मिली है तो वो हम घर जाके लेंगे। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल से, और ये देखो यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है आज। आज देहरादून में हो रही है बारिश, पर ठंडा नहीं हो रहा, मतलब इतना ज्यादा ठंडा नहीं है, मौसम सही हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। इवन आज मैंने सिर्फ विजय को शर्ट ही पहना है, और मतलब बिल्कुल भी मुझे ठंडा फील नहीं हो रहा, जबकि सबसे ज्यादा ठंडा लगता है मुझे। तो अभी हाँ आशिक को दिखा दिया है और ये दवाइयाँ भी उसकी ले ली है, दो दवाइयाँ नहीं मिली है इसकी, तो वो हम लोग देखते हैं रास्ते में। वो बोले कि कोई अपोलो का केमिस्ट शॉप है तो वहीं से हम लोग वो लेंगे, और इसके अलावा आशिक को हाँ हाँ आ जाओ गाइस, बोलेंगे आ जाओ, मोस्ट वेलकम। डुगू और सोना को तो हमेशा वेलकम है गाइस, हमेशा वेलकम करते हैं डुगू और सोना का। तो ये डॉक्टर ने खाने के लिए भी इसको बोला है कि जितना हो सके इसको राइस और मतलब दाल वाल या खिचड़ी इस टाइप की चीज़ें देना, मतलब रोटी वगैरह थोड़ा अगर आप चाहो तो अवॉइड ही कर सकते हो, बाकी रोटी दे सकते हैं बट ना दो तो बेटर है। बाकी दूध बिल्कुल, डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल नो मिल्क, दूध अभी बिल्कुल देना नहीं है जब तक ये ठीक नहीं होता है। और इसके अलावा फ्रूट्स में भी डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ बनाना एप्पल एंड कोकोनट और दही, हाँ कोकोनट वाटर ऑफ कोर्स, और दही वगैरह दे सकते हैं। तो यही अभी कुछ दिन तक सिर्फ यही खाएगा, खिचड़ी दाल सब्जी बस, और हाँ ओट्स वगैरह भी दे सकते हैं आप। तो यस अभी बाकी ओट्स भी खत्म हो गया, ओट्स लेते हैं। तो गाइस यहीं कहीं पर अपोलो का वो है, गूगल में सर्च कर लेती हूँ ना। लेफ्ट में बोला था, राइट में बोला था, राइट में बोला था, मैंने देखा तो है अपोलो करके कहीं पर ऐसा भी ध्यान नहीं आ रहा है कहीं। ये रहा, ये रहा, ये क्या? नहीं ये तो कुछ वही सद्भावी भावना अपोलो का खाया फार्मेसी, मैं गूगल कर लेती हूँ।
तो गाइस ये मिल गई है हमको अपोलो का फार्मेसी, ये रहा। तो देखते हैं अभी यहाँ पर मिलती कि नहीं मिलती दवाई। तो गाइस ये दवाई है जो मुझे डॉक्टर को पिलानी है, इस सुबह शाम को पिलानी है ये। वैसे मैंने वैसे घर में भी स्टार्ट कर दी थी मैंने ये ना, ये देखो ये कितना खुश होता है ये वाली दवाई खाने में, पहले मुंह खोल के बैठ गया है। ये मेरा है। हाँ, ये डॉक्टर का है। तो देखो डॉक्टर कड़वी है, कड़वी नहीं है, है पूरी पिलानी होती। पियो पियो, अच्छी है इसको गाइस, इसको दवाई पीना बहुत पसंद है, अच्छी है। तो गाइस आशीष आ गए हैं, देखते हैं दवाई मिली है कि नहीं मिली है। मिली, दोनों मिल गई। अरे वाह, गाइस ये दोनों दवाई मिल गई, बड़ी भारी भारी सी हो रही दवाई इतनी है, भारी है। और की। तो ये दोनों दवाई मिल गई है डुगू की। तो एक दवाई तो मैंने उसको पिला दी है, दूसरी दवाई अब घर पिला दी है ना, एंटीबायोटिक है ना वो, दूसरी उसको वो करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। तो गाइस देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और साथ में देखो हमारे इंडिया का फ्लैग कैसे लहरा रहा है, सब प्यारा लग रहा है। मतलब मुझे, मैं पता नहीं आपको वीडियो में कैसा लग रहा होगा, बट सामने तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, नहीं बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल, जय हिंद जय हिंद कर दो। देखो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पर चुरचुर नान खाने, बहुत दिन से सोच रहे थे कि खाएंगे, आज फाइनली हमने सोचा कि आज यहीं पे चुरचुर नान खाते हैं हम लोग। कहाँ खड़ी कर रहे हो गाइस? तो गाइस हमारा बैड लक था और वहाँ पर आज चिकन नहीं था, मतलब वो 2 बजे के बाद स्टार्ट करते हैं, सिर्फ वीकेंड में उन्होंने बोला ना दिन में जल्दी स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज 2 बजे के बाद ही होता है। तो यस फिर हम लोग निकल गए आगे, क्योंकि हमको तो खाना था चिकन। तो गाइस हम लोग का खाने का मन था चिकन और साथ में कुछ नान गरम गरम, ठीक है, बट था नहीं वहाँ पर। तो बहुत मतलब काफी टेंशन में ना देखते रहते थे कि यहाँ पे चुरचुर नान लिखा हुआ है, चुरचुर नान लिखा हुआ है, बट कभी मौका नहीं मिलता था खाने का। तो बट आज हम लोग सोचा था कि नहीं आज खाते हैं हम लोग, बट क्या करें वहाँ पर था ही नहीं। तो यस गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अभी घर की तरफ, वहाँ पे रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे तवा चिकन बहुत टेस्टी मिलता है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे तवा चिकन ही खाएंगे अब हम, है ना। अब बच्चों को कोकोनट वाटर भी पिलाना है हम लोगों ने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि कोकोनट वाटर, एप्पल भी ले लेते हैं हमारा, है ना, और सिर्फ बनाना ही देना है। हाँ एप्पल है अभी। तो यस गाइस फिर अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, घंटा घर की तरफ भी जा रहे, तो इंदिरा मार्केट भी जाना, हमारे पास टाइम है, 1 बज गए, ड्यूटी भी है तुम्हारी, 10 मिनट लगेंगे हम ले लेंगे ना, हमें पार्किंग में ही छोड़ देना, तुम फटाफट होके आ जाना, है ना। तो गाइस आशीष को जाना था मार्केट, थोड़ा सा काम था और सामान लेने के लिए, तो अभी मैं गाड़ी ना पार्किंग में खड़ी करने आई, आगे पार्किंग वाला बंदा नहीं दिख रहा कोई, गाड़ी मम्मी। गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं पार्किंग में आशीष का, और वो लेने जा रखे हैं मार्केट में, मतलब पास ही मार्केट है, तो वहाँ पे वो लेने जा रखे हैं बैग, तो उनको ऑफिस के लिए बैग चाहिए था, तो वो लेने जा रखे हैं। तब तक हम लोग, मैं बच्चों के साथ गाड़ी में ही बैठी हूँ, क्योंकि बच्चों को लेकर जाना ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है, फालतू में जाते हैं। रुकी आपको मैं ना कोकोनट वाटर पिलाऊंगी, ठीक है मुझे खाना। बेटा आपको मना किया है ना डॉक्टर ने, खा ले फिर। छो ना, आपको भैया के सामने नहीं खाना चाहिए था। डुगो मम्मी की बात सुनो, मम्मी की, आपका पेटुआया हुआ था ना, अभी बाद में खाना, ठीक है। देखो सोना ऐसे नहीं चिढ़ाते, बट सोना पैरी बैठ बेटा, डुगू कभी नहीं चिढ़ाता बेटा आपको, मामा की तो बात ही छोड़ दो तुम। डुगू मैं इधर, मेरी बच्ची इधर, मम्मी के पास आ, मम्मी के पास आओ, आओ आ जाओ। तो गाइस आशीष आ गए हैं यहाँ पर, ले लिया बैग, बड़ा लिया, कैसा बैग है पिट्टू? अच्छा पीछे रख देती हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये आ गया है हम लोगों का, क्या है, कौन सा चिकन? तवा चिकन, और साथ में हमने मंगाया है बटर नान, तो हम लोग ये एंजॉय करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया था वहाँ से, और अभी यहाँ पे बच्चों को हम लोग पिला रहे हैं कोकोनट वाटर, और यहाँ डुगू को देखो इसको चाहिए ये जो बाहर ये भैया खड़े हो रखे हैं बबल्स लेकर, इसको ये चाहिए। हाँ पहले ये पियो, फिनिश करोगे तभी मिलेगा।
तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और घर आते ही मैं फटाफट में रख रही हूँ बच्चों के लिए खिचड़ी, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि डॉक्टर ने बोला है रुगू को कि जितना हो सके उसे खिचड़ी खिलाओ, मतलब रोटी भी खिला सकते हैं बट कोशिश करना है कि खिचड़ी ही खिलाओ। तो यस फटाफट इन लोगों के लिए बनाती हूँ खिचड़ी। हम लोगों ने तो खा लिया खाना और बच्चों ने भी नारियल पानी वगैरह पी लिया था, और अभी फिलहाल के लिए फटाफट देती हूँ खिचड़ी क्योंकि दिन के बच गए हैं दो। गाइज यहाँ पर आ गई है दोनों बच्चों की खिचड़ी। तो सोना कैसी बनी है खिचड़ी? अच्छा लगता है जो दीदी बोलेगी। देखो गाइस ये सोना ना इसका इस वाले टीवी का रिमोट लेकर बैठी है, ठीक है? तो वो भाई को भी रिमोट चाहिए, तो वो दादू के कमरे से टीवी का रिमोट लेकर आया है कि मतलब मुझे भी टीवी का रिमोट लेकर बैठना है। जो सोना करेगी वो ये डुगू ने करना है ना डुगी? जो दीदी करेगी वही डुगू करेगा। वो देखो वो भी ऐसे रिमोट लेकर बैठा जाए सोना लेकर। चलो हे शीरी बोलता है बस वो, और शीरी इसकी बात नहीं सुनती है ना। तो चलो खाना खा लो फिर, ठीक है? तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग अभी भी सो के उठे हैं, और ये बच्चे जरूर कोई भी नहीं उठे। सोना उठो बेटा, सोना उठ जाओ, चलो टाइम हो गया पढ़ाई करनी बेटा, पेपर है ना डिग्री, उठ जाओ बेटा उठो। तो मैं उठाती हूँ इनको फटाफट क्योंकि आशिता को पढ़ाना है, आप रिविजन कराना है, उसके पेपर है जैसे कि बताया था मैंने आपको। तो उसको उठाती हूँ फटाफट और उसके बाद फिर इस यहाँ पे मैंने आशिता को बैठाया है पढ़ने के लिए, और मैं बनाती हूँ किचन में तब तक खाना, है ना आशिता? आप लिखो तो मैं किचन को ये रिविजन चल रहा है आपका, ऑलरेडी लर्न है आपको, है ना? जल्दी जल्दी लिखो तभी। तो गाइस मैं पढ़ाती हूँ आशिता को और बनाती हूँ साथ साथ में खाना। तो यस गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल शर्माज ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।